महाराष्ट्र में फिर पलटेगी सत्ता, महाराष्ट्र में फिर होगा खेला। अब शिंदे गुट में फूट का खतरा, शिंदे गुट के 22 एमएलए होंगे भाजपा में शामिल। ठाकरे गुट का बड़ा दावा, महाराष्ट्र में सत्ता और विरोधी दल के नेता रोजाना अलग अलग दावा कर रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने ठाकरे गुट के 4 विधायकों का फूटने का दावा किया था, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया था। गट कुठे राहिले, काय गट राहिले, संपलाय ना गट, आता शिवसेना कुठे राहिले सर? अहो किती 56 वरून 6-7 आहे, ते पण आता वाटेवर आहे, ऑन द वे आहे, एनी मोमेंट ते पण सहभागी होती। सर तुमच्या कोणी संपर्कात आहेत का? ते 5 तुम्ही 4 जण आहेत। कोण नाव तरी सांगा ना, आज नाही उद्या संग बेटा। इसके अलावा शिंदे गुट के विधायक महेंद्र दलवी ने भी ठाकरे गुट में फूट को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद बम फूटेगा, ठाकरे गुट के 3 विधायक शिंदे गुट में शामिल होंगे। वहीं शिंदे और भाजपा नेता 3 से 4 विधायकों के फूटने का दावा कर रहे हैं। इस बीच ठाकरे गुट ने शिंदे गुट के 22 विधायकों के फूटने का बहुत बड़ा दावा किया है। आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है और कितनी हवा हवाई बातें हैं, आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद से शिंदे और ठाकरे गुट के बीच एक दूसरे के नेता, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों को तोड़ने की होड़ लगी हुई है। हालांकि इस दौड़ में शिंदे गुट बाजी मारते हुए नजर आ रहा है। वर्तमान समय में शिंदे गुट में इनकमिंग और ठाकरे गुट में आउटगोइंग ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ठाकरे गुट के साथ कुछ नेता और छोटी पार्टियां जुड़ी हुई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि ठाकरे गुट फिर से मजबूत हो रहा है। दरअसल इस बगावत की स्पर्धा में दोनों गुट जनता के सामने ये नहीं साबित होना देना चाहते कि हमारा गुट कमजोर पड़ रहा है। इसी वजह से सत्ता और विपक्षी दोनों गुट एक दूसरे के गुट में फूट पड़ने को लेकर संभावना जताते रहते हैं, ताकि लोगों को लगे कि इनके गुट की स्थिति आने वाले दिनों में बेहद खराब होने वाली है। इसी वजह से उद्धव ठाकरे की पार्टी के मुखपत्र सामना में रविवार को दावा किया गया है कि शिंदे गुट के 40 में से 22 विधायक फूटकर जल्द भाजपा में शामिल हो जाएंगे। सामना में लिखा गया है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा ने एक अस्थायी व्यवस्था को जन्म दिया। अब सभी समझ गए हैं कि एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री की वर्दी कभी भी उतार दी जाएगी। शिंदे गुट के सरपंच और ग्राम पंचायत चुनाव में जीत के दावे झूठे हैं, जिसके कारण शिंदे गुट के 22 विधायक नाराज हैं। इनमें से ज्यादातर विधायकों का भाजपा में विलय हो जाएगा। एकनाथ शिंदे के कार्यों से जनता खुद नहीं खुश है, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। भाजपा अपने फायदे के लिए शिंदे गुट का इस्तेमाल करती रहेगी। अब ये तो वक्त बताएगा कि किसके दावों में कितना दम है, कौन सिर्फ आगामी मनपा चुनावों के मद्देनजर माहौल बना रहा है। इन सारे सवालों के जवाब भविष्य के गर्त में है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट।